हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 4 को हल करेंगे। प्रश्न 4 में दिया है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। मतलब 306 और 657 का HCF दिया है कि 9 है, और 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो इसी सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे, कर लिखेंगे, दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या और HCF और हो जाएगा LCM। तो पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657 और HCF है इन दोनों का 9, और हम लोगों को निकालना है LCM। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं, कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर HCF है 9, LCM निकालना है, तो LCM के जगह LCM ही लिखेंगे। पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो लिखेंगे LCM बराबर 9, इधर गुणा में तो उधर भागा में चला जाएगा, 306 गुणे 657, अब बटा में हो जाएगा 9, बटा में हो जाएगा 9, तो 9 से कटेगा ये, 9 सात 63, फिर 27 होगा, 9 तिया 27। अब 306 और 73 में हम लोग गुणा कर लेंगे, 306 और 73 में गुणा होगा तो 22,338 आएगा। तो यहाँ से LCM आ गया 22,338। तो हम लोग लिख लेंगे LCM 306,657 बराबर 22,338।